दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में कल खेले गए नेहरू हॉकी टूर्नामेंट के संघर्षपूर्ण फाइनल मैच में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को टाई ब्रेकर में 2-4 से हरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से सजी दोनों टीमों के बीच जमकर मुकाबला हुआ, जहां इंडियन ऑयल की कमान प्रभजोत सिंह, दीपक ठाकुर और शमसुद्दीन ने संभाल रखी थी। वहीं भारत पेट्रोलियम की ओर से गगन अजीत सिंह, साबू वर्की, अनुराग रघुवंशी और रवि नायकर ने सुंदर मूव बनाकर विपक्षी टीम को काफी परेशान किया। लेकिन मैच का पहला गोल दागने में इंडियन ऑयल को सफलता मिली, जब प्रभजोत सिंह ने भारत पेट्रोलियम के खिलाफ मिले पेनाल्टी शूट को गोल में बदल दिया। पहले हाफ तक 1-0 से इंडियन ऑयल आगे रही, लेकिन दूसरे हाफ में भारत पेट्रोलियम के खिलाड़ी शुरू से ही चढ़कर खेले और एक के बाद एक लगातार हमला करके विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति को तितर बितर कर दिया। दूसरे हाफ के मध्य में अंततः भारत पेट्रोलियम ने गोल उतार ही दिया, जब गगन अजीत सिंह से मिले खूबसूरत पास को साबू वर्की ने नेट में डाल दिया। निर्धारित समय तक स्कोर के बराबर रहने पर फैसला टाई ब्रेकर से हुआ, जिसमें इंडियन ऑयल ने 4-2 से बाजी मार ली। आज के मैच में पहले स्टार्टिंग टीम की काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी टीम दबदबा में आ गई थी, लेकिन फिर भी बड़ी खूबसूरती के साथ टीम ने उस पोजीशन को संभाला और मैं टीम से काफ़ी खुश हूँ कि उन्होंने लास्ट टाइम तक फाइट किया और उसका उन्हें नतीजा मिला। कल विजेता और उपविजेता के बीच निश्चय ही कांटे की टक्कर रही, लेकिन एक बार फिर भाग्य ने अपना खेल खेला। वैसे दोनों टीमों की तैयारी में कोई कमी नहीं थी, स्ट्रेटजी ऐसे थी भी उनमें काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, जैसे साबू विरकी हो गया, गगनजीत सिंह, हाफ लाइन भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, तो हमें सिर्फ इतना गगनजीत का डर था थोड़ा सा और साबू विरकी का। लड़कों को बता दिया गया था अभी उनके क्या पॉइंट्स हैं, लड़कों ने बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ उसे रोका और वही एक फार्म लाइन में गगनजीत सिंह को बताया था रोकने के लिए और फार्म लाइन में दूसरा साबू विरकी और लड़कों ने वही किया और उसका नतीजा उनको मिल गया। एक बार फिर एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से खिलाड़ियों की वही पुरानी शिकायत रही, जिसके निशाने पर नेशनल स्टेडियम है। टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड तो आपको भी मालूम है, ये टर्फ की कंडीशन है जो एकदम इसमें पूरा खेलने का नहीं दिल करता, क्योंकि इंजरी का बहुत ज़्यादा चांस है। टर्फ बीच में बिल्कुल फटा हुआ है, फर्श नज़र आ रहा, तो अगर कोई आदमी गिर गया, कोई घुटना काटना, बिल्कुल इंजर हो सकता है। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर की एक और प्रतियोगिता संपन्न हुई, कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर सामने आए, लेकिन ये खिलाड़ी कितनी लंबी दूरी तय करते हैं इस पर खेल प्रेमियों की नजरें होंगी।